आपके दिमाग में नकारात्मक विचार यदि आते हैं तो होता क्या है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। एक पेशेंट की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिन्होंने मुझे संपर्क किया था, कांटेक्ट किया था, सलाह लिया, उनकी ट्रीटमेंट मैंने किया। क्या होता है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है, तो निगेटिव चल रहा है तो निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। यदि गरीबी है तो गरीबी अट्रैक्ट होंगी, यदि अमीरी है तो अमीरी अट्रैक्ट होंगी। जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और ये जो लड़का है तो कंप्लेन ऐसी कि भाई मुझे बहुत बार 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 नकारात्मक विचार आते हैं, काम में मन नहीं लगता और काफ़ी बार निराशा, डिप्रेशन ऐसे आते रहता है। उसके पिताजी जो है वो हार्ट अटैक से मर गए, अटैक आया था, अटैक से मर गए और अचानक गए, तब से उसको दहशत बढ़ गई कि मैं भी मरूंगा, पता नहीं मुझे भी हार्ट अटैक आएगा क्या। खुद को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ चिंता की वजह से। अब डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं नहीं ये तो अभी से बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ है, तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा और ये बहुत कठिन होगा, ऐसा वैसा, मतलब उसको चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई उससे। और फिर स्कूल में जो हुआ, तो वो जब वो मैंने उसको पूछा कि भाई स्कूल में क्या हुआ, तो स्कूल में जो है ना बार बार मुझे गे के विचार आते थे, मैं गे हूँ, लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होता था। एक्चुअली तो वो बोल रहा है कि नहीं, वो बायसेक्सुअल है, लड़कों की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, लड़कियों की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। रिलेशनशिप में था, अलग अलग दो लड़कियों के साथ में, उनके साथ में सेक्स किया मगर दोनों ने उसको डिच किया। स्कूल में जब था तब लड़कों के साथ में भी सेक्स किया मगर लड़कों ने भी उसको डिच किया, उसकी इच्छा थी तो उन्होंने छोड़ दिया लड़कों ने। इसको अपने माँ के बारे में बुरे विचार आते थे, ऐसा लगता था कि माँ के साथ में सेक्स करूँ। भगवान के बारे में बुरे विचार, कि नहीं भगवान के ऊपर पेशाब कर दूँ, मतलब सब ऐसा मिक्स पिक्चर और निगेटिव विचार चालू दिमाग में, मतलब ऐसे बार बार विचार आना। उसको पता है कि भाई नहीं ये बुरा है, कि भगवान के ऊपर पेशाब कैसे करेंगे या माँ के साथ में सेक्स कैसे करें, वो विचार आ रहे हैं, अनकंट्रोल विचार आ रहे हैं। उसको लगता है कि भाई अभी भी उसको ये लगता है कि नहीं अपने लड़कों के साथ में सेक्स करना चाहिए, चांस मिल गया तो, मगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। और लड़कियों के साथ में कम आकर्षण है और आदमियों के साथ में ज़्यादा आकर्षण है उसको, मगर वो उतना इंडल्ज नहीं करता है जानबूझ के, ऐसा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और उसको कभी कभी जानवरों के साथ में भी सेक्स करने की इच्छा होती है, जैसे बकरी के साथ में सेक्स करने की इच्छा होती है, और वो जब चांस मिले तो उसने कोशिश भी की थी। तो ये जो बार 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 विचार आते रहते हैं, गंदे विचार आते हैं, सेक्स के बारे में विचार आते हैं, निगेटिव विचार है, पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसमें होमोसेक्सुअलिटी भी है, मतलब गे भी है, एक्चुअली बायसेक्सुअल है क्योंकि लड़कियों के साथ में भी उसने किया था। कहने का मतलब ये है कि निगेटिविटी समझो पहले से यदि रही और निगेटिविटी फीड है तो उसकी पढ़ाई नहीं हुई, पिताजी एक्सपायर हो गए और वहाँ से फिर उसको हार्ट अटैक का डर, लड़कों के साथ में सेक्स उन्होंने भी डिच किया, आगे बढ़ाने काम, लड़कियों के साथ में भी डिच, दो लड़कियाँ थी अलग अलग टाइम पे गर्लफ्रेंड्स, उन्होंने उसको डिच कर दिया, पढ़ाई आगे पढ़ नहीं सका क्योंकि विचार बार बार आ रहे, माँ के साथ में और भगवान के बारे में विचार आ रहे। तो ये विचार जब आ रहे हैं तभी वो उसको डर लगता है कि भाई वो किसी के साथ में ऐसे विचार आ गए, उसने बोल दिया किसको तो क्या लगेगा लोगों को, इसलिए लोगों को अवॉइड करना चालू किया। और प्राणियों के साथ में भी लगता है कि सेक्स करना चाहिए। ये ऐसी मिक्स पिक्चर है, मगर मोर प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। और उसके लिए मैंने उसको दवाई दिया, उसको हिप्नोथेरेपी के लिए बोला। और मैं हरदम ही ये बोलता हूँ कि देखो आपको दो मन है, एक कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड बोलता है कि नहीं नहीं ये गलत विचार है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, समझता सब है कॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अनकंट्रोल्ड है, वो बार 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 ऑटोमेटिक वो निगेटिव विचार पैदा करते रहता है और निगेटिव विचार पैदा करके कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर बिलीव करता है, विश्वास करता है, उसको सिग्निफिकेंस देता है और प्रॉब्लम आता है। तो उसको एसेस आ रहा है, क्लोमिप्रामीन, हिप्नोथेरेपी, ये दवाई देकर काफ़ी फर्क पड़ा। और ये जो है ओसीडी बोलो या नेगेटिविटी, इसका इलाज हो सकता है यदि हम रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी से, आरईबीटी से भी इलाज करते हैं या सीबीटी से भी इलाज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तभी भी फायदा लोगों को होता है। थैंक यू वेरी मच।